गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज है रमज़ान का दूसरा रोज़ा और अभी बज रहे हैं 5 और मैं सहरी के लिए उठी थी 4 बजे। मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं थोड़ा कलाम पाक पढ़ते बैठी। अब मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि सोनू और उसके पापा दोनों जन पराठा खाने वाले। मेरे को नहीं चलता कुछ भी सहरी में, कुछ भी खाऊंगी ना मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम होता और बहुत ज़्यादा रोज़ा लगता है इस वजह से। तो सिर्फ 2 पराठे बनने वाले। मोना रोज़ा रखने वाली थी लेकिन मैं उसको नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कल वो बहुत परेशान हो गई थी। तो चलिए, चाय तो मैंने रख दी, दिखाती हूँ मैं आपको। सोए लेना ये लोग, बच्चे लोग सब। यहाँ पे सिर्फ 2 पराठे बनाने वाली हूँ। तवा चढ़ाई तवा रखा हुआ है, यहाँ पे चाय भी बन रही है, समझे? चलो गाइज, यहाँ पे देखो सेकंड पराठा बन रहा है और ये चाय दे रही हूँ मैं सोनू को। यहाँ पे देखो सोनू ने यूनिफॉर्म पहन ली है, क्योंकि ना सहरी करके ना तुरंत सो के फिर घाई हो जा रही ना, इसके लिए पहले यूनिफॉर्म पहनी इसने। खा रही है चाय पराठा। क्या टाइम हो रहा देख लीजिए, 10 मिनट आगे घड़ी है, अभी बाकी है टाइम। आप भी उठे तो ये ना, आप भी उठे, उठ के अभी मुंह धो रहे जब तक। तो गाइस देखो यहाँ पे उठे, लेट सोए ना तो नींद हुशार नहीं होती है कि नहीं। और जिसके लिए तेरे को बोल रहा था मैं जल्दी सो जल्दी सो जल्दी सो, नमाज भी पढ़ने जा रहे ना तो उनको उठने को नहीं हो रहा, कंटाला आ रहा मुझे। हाँ अभी तो खाली पानी पी के सोने वाला। मैंने बोली थी मोना को बिल्कुल नहीं उठाऊंगी लेकिन ये देखो उठ के बैठ गई। सलाम कर, तूने की अच्छा उठ गए मोनू। सो आया तो वायरस सोए हुए है, मोना उठी और अब हम कर रहे सहरी। मैंने ली मेरे लिए कप चाय, ये बोल रहे खा थोड़ा सा पराठा, मगर मेरे को ना बहुत ज्यादा रोजा लगता पराठे से, ये लोग को चलता है ना मक्का से ज्यादा लग रहा। चलो अभी अपन वजू करके थोड़ा पढ़ेंगे, नियत बांध लो, नियत पढ़ लो। दो जमाते और मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए फजर की, तो मिलता हूँ आपको नमाज के बाद इंशाल्लाह। सोनू कलामे पाक लेके बैठ गई है माशाल्लाह। मोनू रोजा नहीं रखना चाहती थी लेकिन नहीं सॉरी रखना चाहती थी और हम लोग उसको मना कर रहे थे। तो लास्ट मोमेंट पे 10 मिनट बाकी था तो बेचारी ने कर ली सहरी। अब देखो यहाँ से आगे उसका क्या होगा। सिर्फ आधा गिलास पानी पी लिया लास्ट में, ठीक है। तो मिलता हुआ आपको आने के बाद इंशाल्लाह। चलो अच्छा किया तुमने, उनकी नियत पढ़ाए उन्होंने, रोजे की नियत भी पढ़ाए। बाहर लाइट की वजह से ऐसा लग रहा दिन निकल गया, लेकिन बाहर लाइट लगा लिया ना ऐसा लग रहा कि। तो गाइस मैं सहरी करके सो गई थी, अभी मुझे बनाना है एक रेसिपी जो कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन चॉकलेट की रेसिपी, जिसकी रेसिपी आपको मैं अलग से शेयर करूँगी, तो आपने मेरे इसी चैनल पर देख लेना बाद में। और आप शायद देख भी चुके होंगे क्योंकि मैं उसे शेयर भी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइस देखो मेरी मोना रोज़ा है और उसके पेट में वापस से दर्द दे रहा था आज, उसका ऐसा ही है, उसको भूख लगेंगी तो उसके पेट में दर्द देता है ऐसा है। तो यहाँ पे देखो ये आ गई। हेलो गाइस, तो 6 बज रहे, फ्रूट्स वगैरह लेके आए और अभी इसे कट करना है। तो यहाँ पर मेरी चल रही थी इफ्तार की तैयारी, तो मैं यहाँ पे ना चिकन चॉकलेट बना रही थी ना, तो उसकी प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी मेरी। और उसकी रेसिपी आपने मेरे चैनल पर जाके देख लेना, चिकन चॉकलेट की बहुत ही यम्मी रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी इफ्तार के लिए। और मैं इसका मतलब इसका जो वीडियो है इसको अलग से इसकी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी इजी हो इस रेसिपी को देखने में। और मेरा ब्लॉग तो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया।
तो गाइज यहाँ पर हमारे चॉकलेट्स रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने ये चॉकलेट्स बनाई हूँ। तो गाइज देखे आपने मेरी चिकन चॉकलेट्स की रेसिपी, आप जरूर ट्राई करना। गाइज यहाँ पर देखो हमारे सारे चिकन चॉकलेट्स तैयार हो गए हैं बनके, और ये देखने में ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, समोसा जैसे बनाते ना हम वैसे, और खाने में पता नहीं अभी इफ्तार के टाइम में पता चलेगा। और मैंने यहाँ पर इसको बना के तैयार करके रख चुकी हूँ। और गाइज यहाँ पर मैं अभी फ्रूट कट करने के लिए बैठ रही हूँ। गाइज अभी मैं फ्रूट कट कर रही हूँ, 6:15 बज रहे, और जल्दी जल्दी से फ्रूट कट करके रेडी रखती हूँ, फिर बाद में नमाज वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ पढ़ते बैठती हूँ क्योंकि ना बाद में बहुत ज़्यादा घाई होती है रोज़ा इफ्तार के टाइम में। वैसे मैंने आज रेसिपी ना बहुत जल्दी बना ली, 6:15 मेरी रेसिपी रेडी हो गई, तो अच्छा लग रहा है। चलो अभी यहाँ पे फ्रूट्स लेके आए, उन्होंने पपीता है और खरबूजा है और वो कलिंगड़, अभी तीनों चीज़ें हैं बस आज। चलो मैं इसको कट कर, माँ फ्रूट कट कर रहे अभी। मोना प्लेट देना, ये मैं बताए सर। कल भी कट कर रहे हैं, एक कल से दोनों खरबूजा कट करी थी मैंने, एक हाँ दोनों करे थे, एक करी थी एक का है फ्रिज में रखी थी क्या? नहीं मालूम, मैंने तो नहीं रखी थी। चूरा हो रहा है ये कलिंग, अच्छे से कटे आ जाएंगे। फ्रूट कट करके हो गया, अभी मैं दो चार घर पे मतलब जो हमारे आसपास में है उनको इफ्तार का बर्तन देने के लिए लगा रही हूँ। मोनू जा रही है, मोना थक गई, मैं जा रही हूँ, तू मत जा, उसको जाने दे, लेके जाएंगे, जाने दे। गाइस यहाँ मेरे बच्चे लोग बैठे हुए हैं, मोना को रोजा लगा मोनू रोजा, जा रही हो फ्रूट वो लेके जा रही है बर्तन, इफ्तारी के बर्तन देने के लिए जा रही है। सर उसके पापा गए नमाज के लिए, असर की नमाज पढ़ने गए, और अभी बज रहे हैं 6:40 नहीं 6:30 बज रहे, 10 मिनट आगे है ना मेरी घड़ी, हाँ तो 6:30 बज रहे हैं, और मेरी सारी तैयारी हो चुकी है इफ्तार की, अब मैं आराम से सुकून से पढ़ते बैठूंगी। यहाँ पर हमने निकाल चुके हैं हमारा बर्तन, और ये बच्चे लोग देखो बैठे हैं, पढ़ते बैठो वारिस का रोजा खुलना स्टार्ट हो गया है, स्काफ जाने दे, हाँ खजूर रह गए ना। तो गाइस चलो इफ्तार की तैयारी हो रही है, 5-10 मिनट बच्चे हैं, जल्दी से पढ़ते बैठते कुछ दुआ मांगते अल्लाह से। तो गाइस यहाँ पे देखो सेकंड रोजा भी हो गया है खत्म, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ते, सोनो मोना को बहुत रोजा लग गया था लेकिन फिर भी बेचारे सब्र करी। चलो अभी कितना 10-15 मिनट कुछ बाकी। तो गाइस देखो आ गए हैं हमारे मिस्टर, अस्सलाम वालेकुम गाइस,
और इफ्तारी माशाल्लाह बहुत अच्छा बर्तन सजाए आज भी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। क्या ये बना एहसान है मालिक का, दुआ फरमाइए जरा। हाँ जी, चिकन चॉकलेट्स बने हुए, चॉकलेट के जैसे ही बनाई, एक नंबर सेम चॉकलेट लग रहे। हाँ, ये वाली सीधा बैठो बेटे, इधर देखो, दाल बड़ी दे खजूर दो। इसके पास रखे तो हमने सब फिनिश ही कर देना। पापा का खा रहा। हाँ, चिकन है, खा ले चिकन। रोजा कब खोलते थे वारिस? दुआ पढ़ना पड़ता अपने को, दुआ पढ़ना पड़ती। टोपी किधर मिली तुम्हारे? ये टाइम की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। मैंने अल्लाह ताला से मांग दिया। क्या मांगा? वो चॉकलेट। चॉकलेट वो वाला? कौन सा वाला? इसके लिए दिया अल्लाह ने चॉकलेट। तेज है उसमें मिर्ची है, मत ले। रोजा इफ्तार करके ना मैंने घर का फटाफट से काम करके लिए, खाना बनाई और घर को साफ सुथरा करके लिए एकदम मस्त। और तो घर को साफ सुथरा भी करके ली, झाड़ बाड़ उतना कचरा था घर के अंदर। और देखो यहाँ पे खाना भी बन गया। यहाँ पे मैंने बनाई हूँ सालन और ये चावल, और इसमें है सहरी का दूध, समझे? तो हो गया मेरा खाना वाना बना के। किचन में साफ करूँगी बाद में, लेकिन अभी इससे पहले मुझे धोना है बर्तन, बहुत सारे बर्तन हैं। रोज़ा खोलने के बाद में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसके लिए मैंने पहले सबसे पहले मैं थोड़ा पढ़ते बैठी, उसके बाद में उठी, खाना वाना बना ली, जल्दी जल्दी घर को साफ करी। अब काम है बस बर्तन धोना, मशीन में लगाऊंगी सहरी के टाइम में, उससे भी पहले, मतलब सहरी से पहले लगा के इसको रख दूंगी, फिर सहरी वगैरह हो जाएगी, है ना? तो चलिए गाइस, काम छोड़ा, बच्चे लोग बाहर खेल रहे। तो गाइज अभी देखो रात के बज रहे हैं 2 और अभी इतनी नींद आई ना पूछो मत। मैं सोची थी मशीन लगाऊंगी लेकिन अभी नहीं होएगा, लेट हो गया बहुत ज्यादा सोने के लिए। बच्चे लोग भी अभी तक मस्ती कर रहे, तो चलिए सुबह में सहरी में फिर उठना नहीं होएगा ना, इस वजह से मैं सोच रही हूँ ब्लॉग एंड करूँ। और आज का ब्लॉग बस इतना ही बना, क्योंकि जो रेसिपी जो थी ना, अगर मैं रेसिपी इसमें ऐड करती ना तो काफी सारे लोग देखते नहीं है ब्लॉग के चक्कर में, इतना टाइम पास नहीं, टाइम नहीं रहता, इफ्तार की तैयारी करना पड़ती, फटाफट से रेसिपी देख ली और इफ्तार बना लिए, उस वजह से मैंने उसको अलग से शेयर करी हूँ चिकन चॉकलेट की रेसिपी। तो ना अभी चलो जाने दो गाइस, मैं अभी मिलती हूँ आपको सुबह में इंशाल्लाह। तो मेरी तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही, मैं आपको मेरे पैर बता दूँ कितने सूजे ना पूछो मत, और मेरे मतलब वो जॉइंट में तकलीफ है ना, मैं बोल रही नहीं थी क्या? डॉक्टर के पास में जा रही हूँ, सब जगह जा रही हूँ, लेकिन कुछ कम हो रहा नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए मेरे पैर कितने सूज गए, और उसमें दर्द बहुत है, ये इधर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दोनों पैर भी ऐसे सूजे हुए हैं। गर्म पानी में रखी थी पैर तो भी ऐसी सूजन चढ़ रही है, ना कुछ मोच आई है ना कुछ हुआ है, लेकिन सूजन तो है ना, बीपी नॉर्मल है, सब चीज नॉर्मल है, और दर्द सिर्फ जॉइंट में तकलीफ है और बस सूजन है, डॉक्टर भी कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वजन कम करो ये वो। तो मेरे को अभी मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, जैसा कि अब रमज़ान चल रहा है ना, दवा गोली भी बहुत सारी खानी है मुझे, क्या करते अभी चलो, है ना? तो देखे मेरे पैर कितने ज़्यादा सूजे हुए, बहुत दिन से सूजे हुए, मैं बताती नहीं हूँ आप लोगों को। तो ये मसला चल रहा है, तबीयत थोड़ी सी भी नरम गरम चल रही है। अभी मैं सोच रही हूँ ब्लॉग का एंड करूँ, मुझे ना 2-4 दिन से इतना टेंशन आ रहा है ना, 3-4 एक हफ्ता हो गया मेरे चैनल एकदम डाउन हो गया, इम्प्रेशन डाउन हो गए। मैंने 2-4 जन को ऐसा जो यूट्यूब वाले हैं ना उनको पूछी कि ऐसा कैसे अचानक से मेरा चैनल इतना ज्यादा कि मेरे वीडियो को मैं जैसे डालती थी वैसे ही वो वायरल हो जाती थी, कम से कम 60-70 हज़ार रोज के मेरे व्यूज थे, बिल्कुल से डाउन हो गए 100-200। तो एकदम इंसान को एकदम डिप्रेशन
और टेंशन तो आने ही वाला ना, इतना टेंशन में से मेरी तबीयत खराब, ये बोले बिल्कुल भी उसका टेंशन मत ले, ऐसा होते रहता है, एल्गोरिथम चेंज हो जाएंगी यूट्यूब की तो होते रहता है, व्यूज कम ज्यादा होते रहते हैं, उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अपने अपने वीडियोस अपलोड करना चैनल को, तो अपने आप वो सब अपनी चीजें सही हो जाएंगी। और जिनको मैंने पूछी वो बोले आप वो टेंशन मत लो, आप अपना काम पे ध्यान दो, व्यूज पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तो मैं बोले ठीक है चलो। तो अचानक से कम हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इतने दिन में नहीं हुआ और अभी कैसे हुआ, इतने एक साल हो गया, एक साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरा। इतना मेरा चैनल इतना छोटा था, मतलब 200-300 मतलब 2-3 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर थे, लेकिन तब भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन अब इतना चैनल मेरा ग्रो होने के बाद में ये प्रॉब्लम चल रही, व्यूज़ की प्रॉब्लम चल रही, तो मुझे टेंशन तो आएंगा ही। तो वो जो थे जिनको अच्छी खासी मालूम थी यूट्यूब के बारे में, उन्होंने मुझे बताया कि आप ना ये बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप व्यूज़ पे ध्यान मत दो, आप अपने काम पे ध्यान दो। तो मैं बोली ठीक है, तो इस वजह से मैंने अभी वो व्यूज़ का चक्कर छोड़ दी। बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया मेरे चैनल को, किसी ने कुछ किया कि क्या, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे मसला है। वो बोले हाँ होता है कभी कभार, कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाएंगी तो भी होता है, लेकिन ऐसा तो मैंने कुछ मिस्टेक की नहीं, मैं अपना रेगुलरली डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, रेगुलर मैं अपना ब्लॉग्स बनाती हूँ। बस कुछ दिन मेरी तबीयत के इशू की वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, किसी ने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझे। तो चलिए गाइस क्या करेंगे, अभी जिसका करना उसके साथ अपना अपना काम पे ध्यान देंगे, अपना सारी चीज़ें तो देखो इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सब करने वाला है, और इतना पाक महीना चल रहा है तो अल्लाह कामयाबी भी देगा इंशाल्लाह। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।